गुरुदेव 16 वर्षों तक जन्म नहीं लिया। भगवान शंकर ही तो सुखदेव बनकर आए हैं। और ये कथा किस गली में हो रही है? नंबर क्या है इसका? 12। कितना शुभ है कथा यहां सुखदेव जी सुना रहे और सुखदेव जी शंकर जी हैं और 12 नंबर गली, माने भगवान के कितनी ज्योतिष स्वरूप हैं भगवान? 12। भगवान की कितनी ज्योति है भोले बाबा की? 12 ज्योतिर्लिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग। तभी तो शिव, शिव माने कल्याणकारी। जहां इस गली में शिव रक्षा कर रहे हैं, शिव का पहरा है। भगवान शंकर द्वादश ज्योतिर्लिंग से यहां विराजमान है। और वो द्वादश ज्योतिर्लिंग कौन? चलो प्रसंग आया है, हम भोले बाबा की शरण में चले। सौराश्री सोमनाथम श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल मोंकारि ममलेश्वरम केदारि हिमवति पृष्ठे डाकिन्याम भीम शंकरम वाराणस्याम विश्वेशम नागेशम दारुका बने सेतु बंधे तु रामेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथ चिताभूमो घुसमेशम च शिवालय द्वादशैतानि नामानि पठन्ति प्रातः सायं पूजा काले पठेत। ये भगवान शंकर जी की द्वादश ज्योतिर्लिंग। प्रेम से जयकारा लगाएं, अमरनाथ भगवान की जय हो। और ये कथा होते होते कितने वर्ष हो गए यहां पर? 5 वर्ष। ये पंचम वर्ष है। 5 माने पूर्ण। कैसे? ये शरीर कैसे बना है? 5 तत्वों से। अब हम पूर्ण हो गए, पूर्ण निर्माण हो गया। अब तो रसी रसाना है, अभी तक तो निर्माण होता रहा। 5 वर्ष तक 1 तत्व, 2 तत्व, 3, 4, 5 तत्व अब इस वर्ष पूरे होने हैं। अभी तक तो थोड़ा थोड़ा निर्माण होता रहा, अब 5 जब पूरे हो जाएंगे तो अब रस मिलेगा, रसानुभूति होगी। सोनिया बिहार 12 नंबर गली, पंचम वर्ष दिल्ली। क्योंकि संत जन कहते हैं शीत जल पावक गगन समीरा पंचिता तुमिले अधम शरीरा सोनिया बिहार में भगवान भोलेनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग शिव कल्याण कर रहे। भगवान शंकर ही तो सुखदेव बनकर आए। सुखदेव कौन है?
परमहंस, हंस परमहंस, हंस माने ज्ञानी, और परमहंस ज्ञानी का जो ज्ञानी है महाराज, योगियों का योगी है, ऐसे परमहंस जी श्री सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ 16 वर्षों के बाद। ज्ञान वैराग्य भक्ति माता की पावन कथा आप लोगों ने श्रवण किया। अब देखो भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, हमें यथार्थ का बोध समझना है। भक्ति माता है और ज्ञान वैराग्य पुत्र है। ये भक्ति हम सब करते हैं बिहारी जी की। अब हमारे संतजन कहते हैं सभी को स्वतंत्रता है भक्ति करने के लिए। हाँ, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, लेकिन बिन सत्संग न पावई प्राण। सभी को स्वतंत्रता है, सभी भक्ति कर सकते हैं महाराज, लेकिन जब तक सत्संग नहीं करेंगे तो भक्ति नहीं मिलती है ना। लेकिन हमारे संत कबीर क्या कहते हैं, बोले भाई भक्ति सभी के लिए नहीं है, सभी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कौन कौन भक्ति नहीं कर सकते? हमारे संत तुलसी कहते हैं भक्ति स्वतंत्र स्वतंत्रता है, सभी कर सकते हैं। अरे हमारे भारत भूमि में यहां तक कि पक्षियों ने भी भक्ति किया महाराज, गीतराज जटायु ऐसी भक्ति किया कि भगवान का साक्षात्कार किया, स्वयं प्रभु श्री राम अपने पूज्य पिता का दास संस्कार नहीं कर पाए, लेकिन भक्त धन्य है, भक्त शिरोमणि जटायु जिसकी अंत्येष्ट क्रिया भगवान श्री राम जी स्वयं अपने हाथों से करते हैं। धन्य है भक्त, सभी को स्वतंत्रता है, सभी को भक्ति करनी चाहिए मेरे भाई। हमारे संत जन कहते हैं गिधते है ताजी धारी हरी जटायु को प्रभु ने उत्तम गति दिया। चार प्रकार की गति होती है मोक्ष, चार प्रकार की, सायुज, सारूप, लालोक आदि। ठाकुर जी ने जटायु को सारूप गति दिया, अपना ही रूप प्रदान किया। मुवे मरत मरिहे सकल घड़ी पहर के बीच, पहलही न काहू आज लो गीध राज सो मीच। तो संत तुलसी कहते हैं स्वतंत्रता है, सभी करें भक्ति। लेकिन संत कबीर ने कहा
सभी भक्ति नहीं कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं? कामी क्रोधी ओ लालची